वरिष्ठ वकील एचएस फुलका ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य लक्ष्य एसजीपीसी को सियासीकरण से मुक्त करवाना है, इसलिए उन्होंने सिख सेवक संगठन का गठन किया है। उन्होंने बताया कि आज से वो सिख सेवक आर्मी की भी शुरुआत कर रहे हैं, जो गांव-गांव जाकर एसजीपीसी को एक पार्टी के चंगुल से आजाद करवाने के लिए प्रचार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। हाँ जी सर, राजनीति दरबार साहब, श्रोमणी कमेटी का पिछले कई दहाकों तो पूरी तरह सियासीकरण किया हुआ, तो ये पूरा कब्जा एक तरह समझो कि एको परिवार का चल रहा, सियासी हितों वास्ते श्रोमणी कमेटी वरतिया जाता। हूँ असी ये मुहिम शुरू की श्रोमणी कमेटी का सियासीकरण खत्म करना, श्रोमणी कमेटी सियासी लोगों के हत्थों चो लैके धार्मिक समाजिक हत्थों के देना, ये मुहिम असी शुरू की मुहिम दे एक संगठन बनाया जिदा नाम सिख सेवक संगठन रख्या सी, ते ओ एक बुद्धिजीवियों का संगठन होएगा, ते ओ नाल दी नाल इहदा सुनेहा जिहड़ा थले ग्राउंड लैवल तक लैके जाना उहदे वास्ते एक वलंटियरां दी फौज बनाउणी आ, उसका नाम रख्या सिख सेवक आर्मी, ते ए जिहड़ी आर्मी होवेगी ए पूरा ग्राउंड लैवल दे तक ए पूरे दा पूरा सुनेहा ते पूरी प्लैन जो बुद्धिजीवी बनाउणगे उसनूं लैके जाएगी। सिख सेवक संगठन के जिहड़े उपर मैंबर होणगे एग्जैक्टिव दे, उन्हां चों कोई श्रोमणी कमेटी दे इलैक्शन खुद नहीं लड़ूगा, मैं खुद नहीं लड़ने, जिहड़ां ने जिहड़े धार्मिक ते समाजिक ग्रुप बैठे ने जत्थे बैठे आ उन्हां दा असीं आपस दे विच इकट्ठ करवाउणा, ते जिहड़े जिहड़े इस गल नाल सहमत आ कि सियासीकरण असीं श्रोमणी कमेटी का खत्म करना, उन्हां नूं आपस में उन्हां दे समझौता करा के, ते मैं तां इक हुण ठाणिया जी कहा ना मैं लोग सभा की चोन लड़नी आ ते ना मैं कोई पार्टी ज्वाइन करनी आ, हुण जिहड़ा साडा मिशन है वह है एस जी पी सी का सियासीकरण खत्म करना, तो ये हो सकता ये पार्टियां तो बाहर रह के मैं खुद किसी पार्टी बैठा होवां तो फिर गल्लां करा कि सियासीकरण खत्म करना, इस करके मैं पहला पार्टी तो इस्तीफा दिता, उस तो मगरों ये मुहिम शुरू की। अमृतसर से कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ हनी मेहरा जीवी।